नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। AEPP न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद हामिद रजा। लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि। पेट्रोल 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल 60 पैसे प्रति लीटर हुआ। पिछले 11 दिन में डीजल और पेट्रोल की वृद्धि में क्रमशः वृद्धि 6 रुपये 2 पैसे और 6 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर हुआ है। कल लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुए झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान हुए शहीद और वहीं चीनी सेना के 35 जवान मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर और नर्स और सारे मेडिकल स्टाफ हमारे कोरोना योद्धा हैं, इनकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मिली जमानत। उन्हें कथित रूप से प्रवासियों के लिए कांग्रेस द्वारा चलाई गई बसों के फर्जीवाड़े मामले में अरेस्ट किया गया था। कनाडा और अमेरिका की सीमा को और 21 जुलाई तक किया गया सील। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या 78 हुई और वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 5,298 पहुँची। एक नए मृतक के मामले के साथ मृतकों की कुल संख्या 63 पहुँची। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कल पटना के कारगिल चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि में इकट्ठा हुए लोगों ने CBI जांच की मांग की। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 78 पहुंची। 78 के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 5,298 हुई और वहीं एक नई मौत के मामले के साथ मृतकों की कुल संख्या 63 पहुंची। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कोरोना से संक्रमितों की कुल संख्या 78 हुई और वहीं कुल संक्रमितों की संख्या 5,298 पहुंची। एक नए मृतक के मामले के साथ मृतकों की कुल संख्या 63 पहुंची। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कल पटना के कारगिल चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि में इकट्ठा हुए लोगों ने CBI जांच की मांग की। एक बार फिर ओडिशा के पद्मावती गांव के महानदी में दिखने लगा पुराना। कल चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारतीय सेना के 20 जवान हुए शहीद। इसके बाद से देश के लोगों में है काफ़ी आक्रोश। कई जगहों पर जलाया गए चीनी राष्ट्रपति के पुतले। दिल्ली पुलिस ने स्वदेशी जागरण मंच के कुछ सदस्य और पूर्व दिग्गज सेना के सदस्यों को लिया हिरासत में। वो चीनी दूतावास के बाहर कर रहे थे विरोध प्रदर्शन। आज सुबह 11 बजे उत्तरी मुंबई में 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सोमवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर के सटई क्षेत्र में यादव परिवार के लोगों द्वारा एक दलित दूल्हे को घोड़े पर बैठने से रोका गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गलवान घाटी में शहीद हुए बंगाल के 2 सैनिकों को उनके परिवार को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया। पिछले 24 घंटे में देश भर में 10,974 कोरोना के कुल नए मामले पाए गए। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 3,54,065 पहुंची और अभी तक के मौत के आंकड़ों में सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। कुल संख्या 2,003 के साथ मृतकों की कुल संख्या 11,903 पहुंची। और अंत में सेंसेक्स 97.30 अंक गिरकर 33,507.90 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 32.85 अंक गिरकर 9,881.15 पर बंद हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।